उधर फिरोजाबाद में जिला प्रशासन का बड़ा कारनामा सामने आया। प्रशासन ने 1,20,000 की रिकवरी के लिए एक परिवार को घर में ही कैद कर लिया। मासूम बच्चे भी घर में कैद हो गए। घर का मालिक घर में नहीं था। जब इस मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को लगी तो ताला खोला गया। घर के मालिक ने इस मामले में मुख्यमंत्री से शिकायत की बात की है। कर्मचारी स्टैंप वसूली के बकाये को लेकर तहसीलदार के शिकोहाबाद के मोहल्ला अतुल विहार के एक घर में घर के मालिक अतुल सिकेरा की गैर मौजूदगी में उनके घर में बाहर से ताला लगा दिया। अतुल की पत्नी समेत 2 छोटे बच्चे घर में कैद हो गए। बाद में बच्चों के पिता अतुल ने शहर के बाहर से लौटने पर अधिकारियों को बताया तो चुपचाप ताला खोल दिया गया। तकरीबन 4 घंटे तक परिवार घर के अंदर ही कैद रहा। मामला इनके ऊपर 3-3.5 लाख के आसपास की रिकवरी थी इस स्टाम्प की। उसमें तहसील कर्मियों का पहले साइटेशन दिया गया, फिर गिरफ्तारी वारंट महिला के नाम था इसलिए गिरफ्तारी हो नहीं सकती थी। फिर सुनने में आया है कि इन्होंने जाके ताला लगा दिया था और अचल संपत्ति कुर्की में SDM का अनुमोदन होना चाहिए, वो हुआ नहीं था। और मुझे भी जो है इस संबंध में जानकारी उच्च अधिकारियों के द्वारा हिंदी में से पूछा गया, इन्वेस्टिगेशन कराया तो बात सही पाई गई। तो मैंने अपने प्रतिनिधि के रूप में अपने पेशकार और फौजदारी अहलमत को भेज करके और मुफ्त ताला खुलवा करके उसको।